बेटे से विवाद के चलते पिता ने अपना घर छोड़ दिया और भतीजे के साथ रहने लगा। इसी बात से बौखलाए बेटे ने शनिवार की रात अपने दोस्त के साथ मिलकर चचेरे भाई पर हमला बोल दिया। इतना ही नहीं तो चाकू से गला रेत कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक शास्त्री नगर निवासी शुभम पांडुरंग शिंदे बताया गया है। बेटे से विवाद के चलते एक पिता ने अपना घर छोड़ दिया। आए दिन बेटे से विवाद होने की वजह से पिता परेशान हो चुका था और अपने भतीजों के साथ जाकर रहने लगा और इसी बात से बौखलाए बेटे ने शनिवार की रात अपने एक दोस्त के साथ मिलकर अपने चचेरे भाई पर ही हमला बोल दिया। चाकू से गला रेत कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस घटना में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक शास्त्री नगर निवासी शुभम पांडुरंग शेंडे बताए गए। पकड़े गए आरोपियों में नई शुक्रवारी दसरा रोड निवासी हिमांशु पुरुषोत्तम शेंडे और आशीष अमृत मोहल्ले का समावेश है। बताया जाता है कि हिमांशु अपने पिता पुरुषोत्तम को हमेशा परेशान करता रहता था। आए दिन उसके साथ विवाद करता था और इसी बात से तंग आकर पुरुषोत्तम ने घर छोड़कर अपने भतीजों के साथ रहना पसंद किया। इस बात को लेकर हिमांशु चिढ़ा हुआ था। कई बार उसने पिता को वापस घर चलने को कहा लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया। हिमांशु को लग रहा था कि शुभम और भूषण की वजह से ही उसके पिता घर नहीं आ रहे हैं, इसलिए कई बार उसने दोनों से विवाद भी किया। आखिरकार शाम 5:30 बजे के दौरान शुभम अपनी दुकान में जब काम कर रहा था, इसी दौरान हिमांशु और उसका मित्र आशीष वहाँ पहुँचे। शुभम को बाहर बुलाकर उसके साथ मारपीट की और हिमांशु ने चाकू से शुभम की गर्दन पर वार कर उसे जख्मी कर दिया। जानकारी मिलते ही नंदनवन पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन शुभम को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराने पर वहां रात 12 बजे ही उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुरुषोत्तम शेंडे 22 वर्षे हा शुक्रवारी काशीनाथ काशीबाई देऊळ येथे राहतो। तो दारू पिण्याच्या सवयीचा आहे, त्यामुळे त्याच्या वडिलाशी पटत नाही। मागील 1-1.5 वर्षापासून त्याचे वडील हे शुभमकडे राहतात। याचा हिमांशीच्या मनात राग होता, या कारणाने तो नेहमी त्यांच्याकडे येऊन भांडण वाजवत करायचा। दिनांक 27 तारखेला ऑगस्टला संध्याकाळी 5 च्या दरम्यान हिमांशू आणि त्याचा मित्र आशिष मोहाले हा ॲक्टिवर आले। शुभम हा सलूनच्या खाली होता, त्यांच्यात बोलता बोलता बाजाबाजी झाली व त्या दरम्यान त्याने आपल्या जवळचा असलेला कटर हिमांशूने शुभमच्या गळ्यावर मारला, त्यामुळे तो गंभीर जखमी झाला। त्याला संस्थान हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट करण्यात आलं, उपचारादरम्यान तो मयत झाला। एनबीसी न्यूज के लिए कॅमेरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।